तो एक दंत होकर के गणेश जी विराजमान हुए। अब धीरे धीरे फिर बड़े हो रहे हैं। अच्छा, लगातार तो कार्तिकेय जी नहीं रहते, पर बीच बीच में कार्तिकेय जी कैलाश आते हैं, फिर देवताओं के पास जाते हैं, फिर देवताओं की ओर से युद्ध लड़ते हैं, फिर आते हैं। जब जब आते हैं तब तक गणेश जी के साथ उनका मिलना होता है। इधर पार्वती माता जी को चिंता हो गई, महाराज अब मेरे दोनों पुत्र बड़े हो रहे हैं, आप इनकी विवाह की चिंता नहीं करते? अब विवाह करना है तो विवाह की व्यवस्था करिए। भोला नाथ ने कहा, देवी धीरे धीरे बोलो। क्यों? बोले ये मत पूछो विवाह कैसे करना है, अभी पता चल गया दोनों में होड़ मच जाएगी, ये सोचो विवाह पहले किसका करना है। इनकी तो हर बात में दौड़ लग जाती है, विवाह पहले किसका करना है। जगदम्बा ने कहा कि अरे बड़े कार्तिकेय हैं तो पहले उन्हीं का विवाह होना चाहिए, गणेश तो छोटे हैं। अरे गणेश भले छोटे हों लेकिन प्रथम पूज्य तो वही है, तो प्रथम पूज्य का विवाह भी प्रथम होना चाहिए, तो क्या किया जाए? चलो बालकों से ही पूछ लेते हैं। इतनी देर में कार्तिकेय जी गणेश जी आ गए, भोलानाथ की गोद में कार्तिकेय जी और जगदम्बा की गोद में गणेश जी। बच्चों अबे हम तुम्हारा विवाह करना है, बताओ कौन पहले विवाह कराएगा। बस माता पिता को देख के तो बालकों की बाल लीला ऐसे शुरू हो जाती है। गणेश जी कहे पहले मेरा विवाह होगा, मैं प्रथम पूज्य हूं। कार्तिकेय जी कहते हद कर दी गणेश तुमने, पहले बड़े भाई का ब्याह होता है कि पहले छोटे भाई का होता है? बोले होता पहले बड़े भाई का है, पर यह सामान्य नियम है, शिव की गृहस्थ में सामान्य नियम तो लागू होते ही नहीं है। शिव की गृहस्थ में तो सारे अलौकिक नियम लागू होते हैं, जिसकी प्रथम पूजा होती है प्रथम विवाह भी उसी का होगा। कार्तिकेय जी कहते हैं मेरा होगा, गणेश जी कहते हैं मेरा होगा। भोले बाबा कहते हैं ले, अब फिर मुसीबत हो गई, क्या करें? तो भोले बाबा फिर वही समाधान किए, ऐसा है जो पूरी पृथ्वी और आकाश की पहली परिक्रमा लगा के आएगा, प्रथम परिक्रमा लगा के आएगा, प्रथम विवाह उसी का होगा। अब सावधान थे कार्तिकेय जी, पिछली बार भूल हो गई, पिछली बार पिताजी ने कहा था चर चराचर की परिक्रमा जो लगा के आएगा, तो गणेश ने चतुराई कर दी, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुगपानी, राम नाम की परिक्रमा करके हो गई चर चराचर की परिक्रमा। पर अब पिताजी ने स्पष्ट कर दिया है कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा लगानी है आकाश के सहित, तो इस काम में तो पहले मैं ही जीतूंगा। और कार्तिकेय भगवान फिर उड़े, अब वो तो बहुत तेज गति से चलते हैं, उड़ के जाने कहां से कहां तक पहुंचे, उनको सात परिक्रमा लगा के आना है पृथ्वी आकाश की। लेकिन गणेश जी तो हमारे गणेश जी है महाराज, वो तो फिर वहीं बैठे हुए हैं। जगदम्बा पार्वती ने भोलानाथ को कहा चलो ठीक है बैठा रहने दो, मैं भी यही चाहती थी कि कार्तिकेय का पहले ब्याह हो और गणेश का पीछे हो, तो बड़े भाई का पहले होना चाहिए। भोलानाथ ने कहा देवी तुम्हारा बेटा सामान्य नहीं है, ये तो विद्या बारिधि बुद्धि विधाता है, जरूर कुछ सोच रहा होगा। तब गौरी मैया ने पूछा लाला तुम प्रतियोगिता में नहीं जाओगे क्या? चलो नहीं भी जाओगे तो कार्तिकेय के बाद तुम्हारा विवाह तो होगा ही, बड़े के बाद छोटे का ब्याह तो होता ही है, बहुत बढ़िया बहू ढूंढ के लाऊंगी, पर तुम सोचते क्या हो? गणेश जी ने कहा मैं परिक्रमा के बारे में सोच रहा हूं। अरे परिक्रमा के बारे में सोच रहे हो लाला तो कब जाओगे, भारी तुम्हारा शरीर है, चूहे की तुम्हारी सवारी है, वैसे तुम धीरे धीरे चलते हो, और देर कर दी तो वैसे तुम्हारी जीतने की संभावना नहीं, तुम अभी तक बैठे भी हो यहां। गणेश जी ने कहा मां मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हो? मैं अभी वेदों में पढ़ के आया हूं गुरु पाराशर जी के यहां कि जो माता होती है वो पृथ्वी रूपिणी होती है और जो पिता होते हैं वह आकाश रूप होते हैं।
पिताजी ने सारे पृथ्वी के तीर्थों की, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाने को कहा है। अरे सारे तीर्थ तो माता पिता में होते हैं। अपने शास्त्र में क्या लिखा है, कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा न कर पा रहा हो, किसी भी कारण से समय नहीं है या सामर्थ्य नहीं है, धन नहीं है, इच्छा है परिक्रमा करने की या सारे तीर्थ करने की, तो क्या करे? बोले एक काम करे, अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर बिठाए और ये मान के कि मेरे माता पिता में मेरे लिए सब तीर्थों का निवास है, माँ बाप का पूजन करे और माता पिता दोनों के चरणों को धो ले, प्रक्षालन कर ले, चरण प्रक्षालन, और उस जल को पी ले, माता पिता की परिक्रमा करके प्रणाम कर ले, तो भारत नहीं इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सारे तीर्थों में वास करने का और स्नान करने का पुण्य उसको प्राप्त हो जाएगा, किसी को वंचित नहीं किया गया। और सुनिए, कोई माता बहन है, सुहागिन माता बहन, उनको लगता है कि हमको तीर्थ करने हैं, शरीर काम नहीं करता या जो भी कारण है, तो क्या करे? यह ग्रंथ की दी व्यवस्था है बंधुओं, इसलिए सनातन धर्म से ऊंचा कुछ नहीं है, यहां किसी को वंचित नहीं किया गया। माता बहन की इच्छा है मुझे तीर्थ करने हैं, नहीं कर पा रही, क्या करे? अपने पति को ऊंचे आसन पे बिठाए और ये मान के कि मेरे पति परमेश्वर में सारे तीर्थों का निवास है, अपने पति के दाहिने चरण के अंगूठे को जल से धो ले और पी ले, तो उस सुहागिन ने इस संसार के सारे तीर्थ कर लिए, ये फल उसको प्राप्त। सोचो, इतना महात्म ग्रंथों में वर्णन है। तो गणेश जी विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? मां मां तो पृथ्वी रूपणी है, वो पिता आकाश रूप है, और जिसको गौरी शंकर जैसे पिता माता पिता मिले हो, तो मुझे आपसे कुछ कहना है, कहो। एक सुंदर आसन लगाया, उस आसन पर गौरी शंकर को बिठाया, गौरी शंकर के चरणों का प्रक्षालन किया जल से, उस चरणामृत का पान किया, माता पिता का पूजन किया और सात बार श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए परिक्रमा, और सात बार माता पिता की परिक्रमा करके जो प्रणाम किया और क्या बोले पिताजी से, अब मेरा कर दीजिए ब्याह। भोले बाबा बोले, ब्याह कर दे क्यों लाला? आप नहीं तो कहा था जो प्रथम पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा लगा के आएगा उसका प्रथम विवाह करूंगा, तो तुम कब गए? तो बताइए, क्या माता पृथ्वी रूपणी नहीं है? क्या पिता आकाश रूप नहीं है? शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि या तो मेरा विवाह कर दीजिए या ये कह दीजिए कि वेद मंत्र वैलीकम, या तो ये कह दीजिए जो वेदों में लिखा है वह असत्य है, और या मेरा शीघ्र विवाह कर दीजिए। भोलानाथ ने कहा जो वेदों में लिखा है वो परम सत्य है और मेरा गणेश भी परम सत्य है, अब तो सबसे पहले मुझे अपने गणेश का ही ब्याह करना होगा। पार्वती जी ने कहा कि कार्तिकेय को तुम आने दो, चलो संग संग कर देंगे। बोले ना, वो तो जाने कब तक आएगा, सात बार परिक्रमा करनी पूरी पृथ्वी की, कोई इतनी जल्दी थोड़ो हो जाएगी, तो ब्याह कर दे। अच्छा, अब ब्याह करने के लिए सुंदर कन्या तो चाहिए, बस ये सोचा ही था, इतनी देर में क्या देखा कि सामने से प्रजापति विश्वरूप जी अपनी दो कन्याओं को लेकर के आ रहे हैं, रिद्धि और बुद्धि, सिद्धि और बुद्धि, दो कन्याओं को लेकर के आ रहे हैं। कन्याओं को दूर विराजमान किया और प्रजापति विश्वरूप, जिनको विश्वकर्मा भी कहते हैं, आकर के गौरी शंकर को प्रणाम किया। कहिए विश्वकर्मा, इस समय कैसे आना हुआ? विश्वकर्मा भगवान ने कहा, महाराज ये मेरी दो कन्याएं, एक का नाम सिद्धि है, दूसरी का नाम बुद्धि है, विवाह योग्य हो गई हैं,
मेरे घर दो कन्या हैं और आपके घर दो पुत्र हैं। ऐसे तो छोटे मुंह बड़ी बात है, पर यदि मेरी बेटियां आपके घर की दासी बन जाएं तो मैं महान सौभाग्यशाली अपने को मानूंगा। भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे दो बेटी हैं, मेरे दो बेटे हैं, वो तो ठीक है, पर बड़ा बेटा कब लौटेगा परिक्रमा करके खबर नहीं। हां, अब तुम अपनी दोनों बेटियां मेरे गणेश को प्रदान कर दो। क्या कहना। अभी जगदम्बा पार्वती जी ने सोचा कि ब्याह कैसे होएगा, इतनी देर में विश्वकर्मा आकर के उपस्थित हो गए और बस वहां तो गणेश जी के विवाह उत्सव की तैयारी होने लगी। संतों ने गाया, बड़ा सुंदर वर्णन शिव महापुराण में गणेश जी के विवाह उत्सव का किया गया है, उस भाव को पद रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सब प्रेम से गाइए, गणेश जी का विवाह उत्सव मनाइए। ब्याह करत गणपति को, ब्याह करत गणपति को, ब्याह करत गणपति को गौरी, ब्याह करत गणपति को, 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 शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, मात पिता परिक्रमा कीनी, प्रथम विवाह अनुमति लीनी, माता पिता परिक्रमा कीनी, प्रथम विवाह अनुमति लीनी, माता पिता परिक्रमा कीनी, माता पिता परिक्रमा कीनी, प्रथम विवाह अनुमति लीनी, प्रथम विवाह अनुमति लीनी, पूर्ण मनोरथ जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, पूर्ण मनोरथ जी को, ब्याह करत गणपति को, करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, सोचे कहाँ से कन्या आवे, किमि गणेश की जोड़ी बनावे, सोचे कहाँ से कन्या आवे, जोड़ी बनावे, सोचे कहाँ से कन्या आवे, सोचे कहाँ से कन्या आवे, किमी गणपति की जोड़ी बनावे, किमी गणपति की जोड़ी बनावे, किमी गणपति की जोड़ी बनावे, गणपति की जोड़ी बनावे, यह विचार मन ही को, 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 गौरी ब्याह करत गणपति, गौरी ब्याह करत गणपति, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह
कल्प जो पूर्ण कराए, विश्वकर्मा चल कर आए। शिव संकल्प जो पूर्ण कराए, विश्वकर्मा चल कर आए। शिव संकल्प को पूर्ण कराए, शिव संकल्प को पूर्ण कराए, विश्वकर्मा चल कर आए। विश्वकर्मा चल कर आए, हाँ विश्वकर्मा चल कर आए, विश्वकर्मा चल कर आए। बोले सुनो विनती को, बोले सुनो विनती को, बोले सुनो विनती को, बोले सुनो विनती को, गौरी ब्याह करत गणपति 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 को। विश्वकर्मा क्या बोले, मेरी दो कन्यायति सुंदर, मेरी दो कन्यायति सुंदर, मेरी दो कन्यायति सुंदर, मेरी दो कन्यायति सुंदर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर, सिद्धि बुद्धि सब गुण आगर। चाहत हूँ सुकृति को, चाहत हूँ सुकृति को, चाहत हूँ स्वकृति को, चाहत हूँ स्वकृति को, ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को। उमा महेश सुनत हर्षाए, उमा महेश सुनत हर्षाए, उमा महेश सुनत हर्षाए, अनुमति संबंध जुराए, अनुमति संबंध जुराए, अनुमति संबंध जुराए, अनुमति संबंध जुराए। अब तो उत्सव है गयो नीको, उत्सव है गयो नीको, अब उत्सव है गयो नीको, सब है गयो नीको। गौरी ब्याह करत गणपति, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति। आनंद हो गया महाराज, अब तो सारी बात बन गई, ना बारात कहीं जानी थी, ना बेटी वाले को कहीं से आना था, वही बात पक्की हो गई और वही विवाह निश्चित हो गया। बस कैलाश के एक शिखर पर विश्वकर्मा जी ने मान लिया ये कन्या पक्ष हो गया, और कैलाश के उज्जवल शिखर पर भोलानाथ विराजमान हैं। शंकर जी के गण गणेश जी को वर रूप में सजाने लग गए, पार्वती मैया गणेश जी के माथे पर सहरा बांध रही है, सुंदर वस्त्र पहना रही है, पार्वती जी की सखियां मंगल गान कर रही हैं। श्री गणेश वर वेश सजाए, गणेश वर वेश सजाए, श्री गणेश वर वेश सजाए, गणेश वर वेश सजाए, दुल्हा रूप सबन मन भाए, सबन मन भाए, दुल्हा रूप सबन
मन भाए, रूप सवन मन भाए, ऋषि करत सब विधि को, ऋषि करत सब विधि को। सप्त ऋषि आ गए, गणेश जी को दुल्हा रूप धारण हुआ। सप्त ऋषियों ने आकर कहा, हम गणेश जी की वैवाहिक विधियों का पालन करेंगे। ऋषि करत सब विधि को, ऋषि करत सब विधि को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। सप्त ऋषियों ने आकर के सारी विधियों का निर्वाह किया है। बंधुओं, वहीं कैलाश पर्वत पर दिव्य गणेश जी की बारात निकली है, लेकिन घोड़ी पे नहीं बैठे महाराज, बैठे चूहे पे ही हैं। अपने वाहन का त्याग नहीं किया है और सुंदर बारात निकली है, जय जयकार हुई है और सारी विधियों का पालन हुआ है। पाणी ग्रहण और कन्यादान, पाणी ग्रहण और कन्यादान, पाणी ग्रहण और भावरी को, अब लेने लगे भावरी को, गणपति लेने लगे भावरी को, लेने लगे भावरी को, गौरी ब्याह करत गणपति, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को। भामरी ले रहे हैं, कैसी शोभा हो रही है निहारिएगा। दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, और दो प्रिया है ना, दोनों के साथ एक साथ भामरी हो रही है। दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, बीच में सोहत प्यारे गणपति, बीच में सोहत प्यारे गणपति। दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, बीच में सोहत प्यारे गणपति, बीच में सोहत प्यारे गणपति। रूप लगत अति नीको, रूप लगत अति नीको, आहा जुगल रूप अति नीको, गौरी ब्याह करत गणपति, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को। जय जयकार मची त्रिभुवन में, जय जयकार मची त्रिभुवन में, जय जयकार मची त्रिभुवन में, जय जयकार त्रिभुवन में, गणपति प्रथम पूज्य देवन में, गणपति प्रथम पूज्य देवन में, गणपति प्रथम पूज्य देवन में, गणपति प्रथम पूज देवन में। समता नाय किसी को, समता नाय किसी को, तुलना नाय किसी को, तुलना नाय किसी को, गौरी ब्याह करत गणपति, गौरी ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, शंकर ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह।
गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। गौर दास बलिहारी जाऊं, गौर दास बलिहारी जाऊं, गौर दास बलिहारी जाऊं, गौर दास बलिहारी जाऊं। श्री गणेश को चरित सुनाऊं, श्री गणेश को चरित सुनाऊं, शिव पुराण की कथा सुनाऊं, शिव पुराण की कथा सुनाऊं। चाहूं प्रेम हरि को, चाहूं प्रेम हरि को, मैं चाहूं हरि भक्ति को, चाहूं हरि भक्ति को। गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति को। आनंद हो गया महाराज, दाएं सिद्धि बाएं बुद्धि, बीच में सोहत प्यारे गणपति, रूप लगत अति नीको। पानी ग्रहण हो गया, विश्व रूप ने कन्यादान कर दिया और गणेश जी वही मंडप में दोनों प्रियाओं के साथ विराजमान हैं। गौरी शंकर भगवान पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सारी विधि संपन्न हुई है। तब गणेश जी ने अपनी दोनों प्रियाओं के साथ गौरी शंकर भगवान को प्रणाम किया है। भोले बाबा ने अलग से गणेश लोक की स्थापना की है, जो गणेश जी का नित्य लोक है वो भगवान शंकर के द्वारा प्रकट है, वो शिव लोक का अंग है। तो श्री गणेश जी अपने भवन में विराजे हैं और कुछ समय बाद, अभी तक तो कार्तिकेय जी तो लौटे ही नहीं हैं, इधर तो महाराज आनंद हो गया। समय पाए दो सुत प्रगटाए, समय पाए दो सुत प्रगटाए। गणेश जी के यहाँ दो पुत्रों का जन्म हो गया। क्या क्या नाम है गणेश जी के पुत्रों का, क्या नाम है? समय पाए दो सुत प्रगटाए, समय पाए दो सुत प्रगटाए। क्षेम लाभ तीन नाम धराए, क्षेम लाभ तीन नाम धराए। शुभ और लाभ तीन नाम धराए, शुभ लाभ तीन नाम धराए। मंगल करें सब ही को, मंगल करे सब ही को, ब्याह करत गणपति को, गौरी ब्याह करत गणपति। क्या कहना महाराज, दो पुत्रों का जन्म हुआ है, शुभ और लाभ इन दोनों पुत्रों का नाम हुआ है। और यहां तो गणेश जी के पुत्र भी हो गए, इधर कार्तिकेय जी की भी परिक्रमा